इस्तेमाल करना है आज के इस इस्तकबालिया जलसे के सदर मुहतरम हम सब के अजीज व मोहतरम शेख रफीद साहब हमारी बहुत ही काबिल मेयर साहबा दाना शेख रफीद साहबा और हमारे कायदे सालार शेख आसिफ साहब मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि सबका इस्तकबाल हो रहा है कोई किसी पार्टी से इसमें राष्ट्रवादी के टिकट के ऊपर उम्मीदवारी इन्होंने की हार गए आसिफ भाई के सामने ही अलग बात लेकिन उनके जितने कॉर्पोरेटर बीस टूट करके आए थे वो राष्ट्रवादी फिर राष्ट्रवादी के साथ गद्दारी की और एमआईएम का टिकट लेके इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया साहब कॉर्पोरेटर को एमआईएम लड़ लिया अच्छा एमआईएम से चुन कर आया जब महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस और शिवसेना की जब सरकार बनने जा रही थी तो इनके तो महाराष्ट्र के अंदर दो एमएलए चुनकर आए मालेगांव एक धुलिया लेकिन मालेगांव के एमएलए सीरियस थे अब धुलिया वाला भैया भी क्या करता है इनकी ही सुनेगा इन्होंने फिर वापस चला फिर धोखेबाजी करी महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री जो आज के शिंदे साहब है इनसे टोकन ले लिया 50-50 लाख रुपए काय के लिए जो महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बनी उसको वोट देने के लिए जो भी डीलिंग हुई होगी लेकिन उसके बाद भी महागठबंधन से फिर धोखा दे दिए फिर नियत में खोट आ गई शायद ऊपर मालूम पड़ गया हैदराबाद में प्रेशर आ गया नौ नोटिस ले गए नुकसान हुआ यह गलत बात है अच्छा जितना शिवसेना और बीजेपी के खिलाफ भी लोग बोलते हैं जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो जाता अगर हम दावत देते हैं अगर आवाम की जनता की शहर की इतनी मोहब्बत है इसी टाइम में भी हमने दावत दिया था संदेशा लेकर के उनका ही कॉर्पोरेटर हमारे चेयरमैन साहब के भाई नबिया में आए थे मैंने बोला जाओ तुम्हारे लीडर से बात करके आओ लेकिन उसके अंदर भी वो जनता दल के साथ और ये बाकी आज के एमएलए साहब इनकी नीयत ठीक नहीं थी इनको तो क्या लगता है पूरे शहर की आवाज जाती है हजरत को क्या लगता अब मेरे तरफ से उनको बट मिलने नहीं वाला था दो बड़ी पार्टियां थी हम 28 थे ये 20 थे तो कुछ मिलने का सवाल नहीं थी खाली होते बढ़ जाते थे लेकिन वो बीजेपी की तरफ दौड़ रहे दादा भाव की तरफ दौड़ रहे हुआ ऐसा कि आप लोग देखे होंगे उनके साथ में उनका उम्मीदवार जो था नबी अहमद इनके वो 7 बीजेपी के 9 इनके 20 बीजेपी की वोट मिली थी या नहीं मिली थी जफर अहमद मिली थी ना नबी अहमद को इसीलिए दोस्तों सिर्फ शहर की आवाम को ये इंसान गुमराही करते रहेगा बेवकूफ बनाते रहेगा और अपनी कुर्सी हमेशा कायम रखने की कोशिश करेगा यह अलग बात है मौलाना
भी आजकल बहुत परेशानी जा रही है जनाब, ऐसे माल की आवाज ही नहीं है। अब आसिफ भाई ने बताया कि अभी महागठबंधन हो गया फिर से, लेकिन दोस्तों अब ये जो पूरा आवाम जो है ये अच्छी तरह जान चुके हैं, ये चाहे कितने भी वर्ग लाएंगे तीनों मिलके लेकिन आप लोगों को ये आने वाले टाइम में, मैं नहीं समझता कि मालेगांव कॉरपोरेशन का इलेक्शन लेट होगा, जो लेट होना थे पूना औरंगाबाद नासिक या बाकी और दीगर शहरों के इलेक्शन कॉरपोरेशन का ओबीसी का मसला है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रही है, मेरा ख्याल है आने वाली 7 तारीख को शायद वापी उसकी हेरी है, केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई है, अलग अलग रियासत अलग अलग राज्य के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, महाराष्ट्र सरकार और अपोजिशन पार्टियां ने मिलकर के ठहराव किया था अभी महाराष्ट्र असेंबली में, गवर्नर की उसके ऊपर साइन हो गई, वो भी वहां सबमिट हो जाएगा, हो सकता है 1-2 महीने के अंदर उसका कोई ना कोई निर्णय आ जाए, और इसीलिए मैं समझता हूं कि मालेगांव कॉरपोरेशन का इलेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, अपने वक्त के ऊपर होगा, महीने पिछला इलेक्शन महीने हुआ था 25 तारीख, अब दोस्तों 28, 29, 27, 25 ऐसा नहीं, अगर शहर के अंदर सही मानों में पूरी तरह से शहर को कॉन्क्रीट रास्ते अगर बनाना है, गली पूरे बड़े बड़े रास्ते, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूरी मेजॉरिटी किसी का सपोर्ट ना लेना पड़े, और वो काम हम उम्मीदवार या कार्पोरेटर या लीडर नहीं कर सकते, ये आप लोग सब मिलकर के कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर 3 कभी पैनल हो गया तो उम्मीदवार बढ़ सकते हैं हर पैनल में, लेकिन आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहत जरूर सबकी आप लोगों की रहती है छोटे बड़े कार्यकर्ता के साथ, लेकिन पार्टी का तुम्हारा और शहर का नुकसान ना हो, अगर कोई गलती से इधर उधर हो गया टिकट नहीं मिलने पर, तो आपका वोट के अंदर बंटवारा नहीं होना चाहिए, जो पार्टी के उम्मीदवार आपकी अपनी पार्टी, कल कुछ और थी मेरे साथ आप लोग, लेकिन आज मैं मेरे कॉर्पोरेटर तुम चाहने वालों ने मेरे साथ सभी ने प्रवेश कर लिया ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, घड़ी घड़ी हाँ? तो आप लोगों को आने वाले टाइम में आप अगर चाहे 90 सीट हो गई है पूरे कॉर्पोरेशन में अभी 84 के बजाय 95 सॉरी, तो कम से कम आपको 48 सीट देना है, 48-50 सीट दोगे तो हमको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, लेकिन इसके अंदर आप लोगों की होशियारी आप लोगों की चालाकी आप लोगों को दबाना पड़ेगा, अगर कोई हमको तुमको छोड़ के जाता है दूसरी तरफ, अगर आपने अगर उसको दबा दिया तो उसकी ताकत और हिम्मत नहीं कि वो आपके खिलाफ चले जाए, वो भी आपके साथ रहकर पार्टी का काम करना चाहिए, ये मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा,
ये आसिफ भाई के लिए, ये कारपोरेटर के लिए नहीं बोल रहा। शहर के अंदर विकास सही ढंग से हो, डेवलप सही ढंग से हो, और ये काम आज की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, इसके अंदर जो अनिर्णय नेतृत्व जो है, बुजुर्ग रहनुमा शरद चंद्र जी पवार साहब और दूसरे अजीत दादा पवार, जयंत पाटिल साहब या हमारे पालक मंत्री, हमारे नेता, ये लोगों को जो मैं देख रहा हूं, जब से मैं 1999 में पहली टाइम आमदार बन के गया था, कांग्रेस राष्ट्रवादी और दोस्त पार्टियों की सरकार थी, ये अलग बात थी कि मेरे पीछे उस वक्त विलासराव साहब थे, लेकिन मैं इन लोगों को देखा हूं कि इनके आमदारों को, इनके नगर अध्यक्ष को, इनके महापौर को, इनके छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को जो ढंग से ताकत पहुंचाते, शहर के अंदर जो विकास करते हैं, विकास निधि जो देते, ये हमेशा हमसे आगे। आज अगर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा भी हो तो उसकी वजह है दोस्तों, विलासराव जैसे लोग लीडर नहीं है, वैसा कांग्रेस पार्टी का ढांचा नहीं रह गया है दिल्ली से दिल्ली तक। लेकिन अगर आज हम आए भी नहीं कांग्रेस, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, वो भी कांग्रेस है ना, कहीं ना कहीं कांग्रेस लगा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस जिसका निशान है घड़ी, घड़ी समझ में आ गई ना। ये घर की मां बहनों के दिमाग में भी आपको डालना पड़ेगा कि अब शेख रशीद का पंजा नहीं, घड़ी निशान है। क्या हमारी मां बहनें बड़ी भोली रहती है, कोई कोई से अगर कोई पूछ देता क्या खाला बिस्कुट के अपने शेख रशीद के पंजे को देना, तो इसीलिए समझाने की जरूरत है कि अब शेख रशीद का पंजा नहीं, पंजे के अंदर जो घड़ी है अब वो निशान है। इसलिए जितने भी पूरे शहर के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जिनका निशान घड़ी रहेगा, उनको ही कामयाब बनाना पड़ेगा। बाई बात तो मैं सुनकर तो झुकते आ, वैसे तो मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं, इत्तेफाक से एक साथ बाइक देखने में आ गया। अभी जब जवान खोलता बोलता झूठ, मुंह खोला झूठ बोला नहीं, यही काम है, यही काम है। हर जगह ढूंढते रहते कहा भैया पैसा मिल जाएगा, शर्म नहीं आती उनको, आंदोलन होकर के आयुक्त को रेत होकर बुलाना चाहिए, उठता बहुत छूटता आयुक्त के ऑफिस में आके बैठ जाता, मुझे समझ नहीं है। अरे आमदन है ये कार्बोनेट है, अब दूसरा कोई काम नहीं रहता, आप मेरा कोई काम नहीं कर रहे हो, आप खाली आसिफ शेख शेख रशीद उनके कार्पोरेटरों का काम करते हो। अरे भैया तेरे काम तो नहीं, कहां से आता, काम करना आता तो झूठ बोलता कि गड्ढा रोड रास्ते बनाना ये कारपोरेशन का काम है। बोले एमएलए का काम हो रहता है, एमएलए जब क्यों कह जाता है तो वह कानून बनता है, इतना देर तुम समझते झेल के कानून भी समझते थे। अरे इसको मराठी जबान नहीं समझती, मराठी बोलना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता, ऐसे काम धंधे का मजा समझ नहीं गए। सऊदी अरब में क्या अजीब बात है सर, हाँ ना।
छापता, लेटर टाइप करता, साइन कर देता, कोई मंत्री के पास जाता, मंत्री लेटर लेता, रख लेता, वो इंडक्स को मारता कि नहीं मारता, बाहर आता, एक चैनल में साथ कर ले जाता, बाइक दे देता, 5,000 मंजूर, 5 करोड़ मंजूर, अरे किधर है वो मंजूर? वो सर्विस शेयर के साथ तो वही तेरे साथ कैसे रहेगा? अरे भैया खाली लेटर देने से मंजूर थोड़ी होता पैसा देव को, इसके लिए कुछ, उसके लिए कोई बहुत तजुर्बे की बात नहीं। ये मालेगांव की आवाम इतनी तजुर्बेकार, इतनी अनुभव वाली है, सब समझता है इसको। अब बहुत हो गया पिछले 5 साल और ये 5 साल बेवकूफ बना, ये नियत क्यों खराब है? तीसरे पास से सीट आई थी दादा उसे मेरे को बता कर ऐसी नियत, एक नंबर बात, ऐसी नियत नहीं है कि तीसरे पास से लड़ाएंगे और सेकुलर पार्टी को बोलेंगे भैया चलो हम तुम्हारे साथ बना तुम्हारा महापुरुष, वो नियत नहीं है, इनकी खुद नियत खराब है। एक बकरे की बात समझ नहीं आती, बकरा अच्छा मीटिंग में कैसे शहर वाले लोगों को भेजना चाहिए, संदीप के लोगों को भेजना। पिछले दिनों न्यायालय में साहब के टाइम पे महापुर जब न्यायालय में साहब बने थे उस वक्त तो भी एक ठहराव हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहां खड़ा पुतला बैठा, एकाध मदद छो कोई वहीं से, फिर उसके तो रुकावट आई, मीटिंग कैंसिल हो गई थी। आज याकूब कॉर्पोरेटर, याकूब मोहम्मद यूनुस हुसैन जवान टंपर, एजाज उमर साहब मेंबर थे, कैंकुब मीटिंग का विषय दोबारा ला करके मंजूर हुआ था न्यायालय में साहब के दौर सदा रखते पूछे जाते हैं। आज मेरे टेम या आसिफ भाई के टेम या आज के महापुर के टेम विषय आता है, सबको अधिकार है। बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ में मौलाना आजाद और कई ऐसे दानिशवान लोग थे उस वक्त जिनको जवाबदारी कानून बनाने की दी गई थी, देश का संविधान बनाने के लिए दिया गया था, तो हमको मोहब्बत से विरोध ना करते हुए संविधान बनाने वाले इंसान का सम्मान रखना चाहिए और यह कहना चाहिए उनके चाहने वालों को कि यार हमारी नमाज नहीं होगी, आप जगह बता दीजिए। वो बेवकूफ आते हो बकरे, हमारे बाप दादा की 48 एकड़ जमीन थी, अब अगर कुछ है पेपर पे बेवकूफ, वो कमिटी का चेयरमैन बचा, वो आया बात क्या करना चाहिए। अरे भाई ठीक है, खान अब्दुल रहीम खान साहब को उस वक्त अंग्रेजों ने दिए होंगे, लेकिन फिर तुमने उसके बारे में किया क्या? अरे पहले अंदर मालेगांव शहर के हुए साबिर अब्दुल सत्तार, इसके बाद में हर मेहमान अंसारी मेरे उत्तर दो टेम हुए, न्यायालय में 6 टेम हुए, फिर जब क्यों नहीं करा दिए भैया? पेपर दाखिल करके कोर्ट में जाना था ना। ये जो बात आसिफ भाई ने बताया ये शहर की आवाम को मालूम नहीं है कि ईदगाह की जो खाद जमीन जो है वो सही मानों में सिर्फ घिस बोलता है, और ये जो बात इन्होंने बतलाया तो उस वक्त तो बाकायदा ये तय हुआ कि यहां पे शासकीय प्रोग्राम
छब्बीस जनवरी 15 अगस्त को 1 मई और पुलिस प्रे और ईद बकरीद या बारिश वगैरह नहीं आती है, ऐसी नमाजें वहां होगी। अब उसके अंदर अगर अपन ये बात बोलेंगे हमारी बात अलग थी, अच्छे तरीके से थी, तो क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं है, जबान से निकालने में सबूत है क्या? इसका मतलब ये चाहते इतना उठा दो इस मामले को, इतना उठा दे कि कल कोई हिंदू भाई या बीजेपी वाला कोर्ट में चले जाए और हमको बोलेंगे तुम 20 घंटे के पर नमाज पढ़ोगे, ये वातावरण खराब करना चाहते, सुलझाना नहीं चाहते इस मसले को, ये शहर की फिजा खराब करना चाहते। उनका मकसद सिर्फ इस शहर की फिजा खराब करना है, इस शहर के अंदर अमन कायम रखना नहीं है। वरना मैं छोटे से बड़ा हुआ, जो 12 तारीख का जो बंद पुकारा गया था हमारे लोग शहर, ऐसा बंद मेरी अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। लेकिन सिर्फ बंद बोला गया था, कुछ लोग निकला क्यों, क्यों वर्गला गया लोगों को, क्यों गरीब अमीर व्यापारी लोगों के जज्बात से खेला गया और उनके रास्ते बंद को लाया गया, बेवकूफों ने उनको जेल में भिजवा दिया और खाली बातें करते हैं। अरे कानून की तो बात ही है ना, 90 दिन में जो सेशन कमेटी घूमे होते हैं उसकी चार्जशीट दाखिल होती है, अब तू जाएगा झुठा बोलेगा आईजी को जिला एसपी को चार्जशीट दाखिल कर देंगे, कितने दिन आई आप चार तारीख आज दिन के बाद तो चार्जशीट दाखिल होगी, 3 महीना पूरा हो जाएगा। और सबसे डेंजर कलम उसके अंदर नदी है, जो पलानी का विषय जो उसने तो बोल दिया था झुठे ने, वो 120 की कलम जो वही वोट दे दिया है सर्जरी मैम, उन्होंने 2 साल के बाद दिल्ली का छोड़ा, यही कलम थी। तो किस तरीके से लोगों को अड़का दिया गया, ये काम हमारे लोगों से होता नहीं, कभी हम कभी दंगल भड़काते नहीं, शहर की आवाम को वर्गलाते नहीं, हम चाहते हैं मेरे सांसद मालेगांव शहर में कायम रहे, जो मालेगांव 20 साल पहले बसात होकर अपना मौत एक मरतबा और 20 साल पर छवि ऐसी बनी थी, इन लोगों के वजह से मालेगांव की फिर से छवि खराब है। तो दोस्तों इस बात को हमेशा के लिए हमको याद रखना चाहिए, नौजवानों को हमारे घर के बुजुर्गों से पूछ लेना चाहिए या जिसकी हम सुनते हैं जिसकी मानते हैं उनसे बात कर लेना चाहिए कि ऐसे मामले में हमको जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह के रसूल के लिए जान देने की अगर बात आए, अल्लाह के रसूल के लिए तो हम जान देने के लिए कभी भी तैयार है, लेकिन जो अल्लाह के रसूल के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मजहब के नाम पे जो हमसे खिलवाड़ करेगा, ऐसे लोगों के लिए कभी जाना नहीं। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में है, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल दिया होगा, किसी को कोई बात गलत लगी होगी, अल्लाह का माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराज, जय राष्ट्रवादी।